हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला के जलटार गांव के बागवान प्रेम चौहान ने 6,500 फुट की ऊंचाई पर उच्च घनत्व वाला बगीचा तैयार कर कामयाबी हासिल की है। प्रेम चौहान ने 1 बीघा जमीन पर 1,000 सिडलिंग पर अल्ट्रा हाई डेस्टिंग तकनीक विकसित कर सेब बागवानी के लिए नया मॉडल तैयार किया है। उन्होंने करीब 10,000 सेब के पौधे इस तकनीक से तैयार किए हैं जो अब फल दे रहे हैं। प्रेम चौहान ने बताया कि उनके द्वारा तैयार ये सेब प्रति कार्टन रिकॉर्ड 3,800 रुपए के हिसाब से बिका। उनके द्वारा तैयार इस बगीचे के मॉडल को देखने के लिए उत्तरांचल राज्य से भी बागवान आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तकनीक को सीखने के लिए वे बागवानों की पूरी मदद कर रहे हैं और मुफ्त में उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। कि ये 7 डिस्ट्रिक्ट के लोगों का जो है एक्सपेक्टेशन है मेरे से, जो 7 डिस्ट्रिक्ट के जो पल में हम हिमाचल के अंदर कर रही है उसके साथ एक उत्तरांचल अलग से स्टेट है, इन सब की जो है एक्सपेक्टेशन है। तो मैं ये स्टडी कर रहा हूँ अभी फार्मर्स को, जो फार्मर सीरियसली जो फील्ड में इस कॉन्सेप्ट को अपनाना चाह रहा है, करना चाह रहा है, उनको मैं देख रहा हूँ कि अगर वो सीरियसली वाकई में ही उस प्रोग्रेस में आना चाहते हैं तो उनको मैं पूरा बैकअप दूंगा। और एक मॉडल जो है एक जगह में एक एरिया में ग्रुप के अंदर उसको अगर उस एरिया में शाइन करता है तो उसको मैं पूरा बैकअप दूंगा। मुझे भले ही वहाँ जा करके ट्रेनिंग भी देनी पड़ी, उनका सपोर्ट करूंगा, चाहे उसमें 7 साल का समय क्यों ना लग जाए। जब तक वो फुलफिल कॉन्फिडेंट नहीं होता उस मॉडल पर तब तक मैं उनको बैकअप देता रहूँगा। बागवान प्रेम चौहान ने बताया इस तकनीक से तैयार किया गया सेब का पौधा किसी भी मौसम व परिस्थिति को सह सकता है और सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि कम जमीन वाले बागवानों के लिए ये तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक मॉडल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मिंग का ऐसा मॉडल है। अगर हमारा जो छोटा किसान है हिमाचल प्रदेश में या उत्तरांचल में, इंडिया में कहीं भी जो फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि अगर वो छोटी फार्मिंग या छोटी लैंड होल्डिंग से हम बहुत ज़्यादा एप्पल फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही जीवनदायिनी मॉडल है ये। पूर्व उद्यान अधिकारी डॉक्टर आगरदास ने कहा कि प्रेम चौहान द्वारा तैयार किया गया ये बगीचा बागवानी के लिए अच्छा मॉडल है। प्रेम चौहान जी ने बहुत अच्छा एक मॉडल जो है तैयार किया है, और मुझे लगता है कि मैं अपील करता हूँ जो हमारे वीसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी, कि उन्हें जो है यहाँ हमारे जो फ्रूट साइंस के वैज्ञानिक हैं फ्रीक्वेंट विजिट के लिए भेजने चाहिए, और इस पे जो है जो कार्य इन्होंने किया है उसको स्टडी करके इसको, जैसा इनका आग्रह भी है कि इसको जो है प्रसार और प्रचार इस कार्य का किया जाए तो हमारी सेब की बागवानी के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। प्रेम चौहान के बगीचे को देखने आए बागवानों का कहना है कि ये तकनीक काफी फायदेमंद है और इस क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होगी। आज इन्होंने ऐसा काम कर दिया हमारे लिए, एक स्पेशल चीज़ ले आई कि आज हम सब जो है उसको भूल जाएंगे। आज हम, मैंने तो अपना माइंडसेट चेंज कर ही दिया है कि मैं तो रूट स्टॉक पे नहीं जाऊंगा, हालांकि मैंने रूट स्टॉक पे लगाया है, लेकिन ये मुझे उसके ज़्यादा अच्छा लगा। जो प्लांट्स और लैंड का मैक्सिमम यूज़ कैसे किया जा सकता है, कि हम देख रहे हैं कि 1 बीघे में आप 1,000 प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हैं, और क्रॉप भी और फ्रूट का जो पैटर्न है, और मेरे ख्याल से सीजन और सारी चीज़ें जिस तरीके से देख रहे हैं, आई थिंक इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ अस। अपने आप को कोसते हैं कि हमें यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था, आप अगर 2003 में हम यहाँ आए होते हैं तो आज फिज़ा कुछ और होती, डेफिनेटली वो चेंज जो है वो आज हमारे बगीचों में भी होता, और वो प्रोडक्शन है या क्वालिटी है नेचुरली हम जो है उसको गेन करते हैं यहाँ पर। बागवान प्रेम चौहान द्वारा इस तकनीक से तैयार किया गया सेब का बगीचा उद्यान विभाग के लिए शोध का विषय है। उनके द्वारा की गई ये 10 साल की कड़ी मेहनत अन्य बागवानों के लिए भी नई राह दिखा रही है जो आने वाले समय में बागवानी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। रोहड़ू से DD News के लिए प्रदीप राही की रिपोर्ट।